वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। भारतीय टीम के फॉर्म में चल रहे ताबड़तोड़ बल्लेबाज शिखर धवन अब वर्ल्ड कप 2019 के कुछ मैचेस के लिए पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों शिखर धवन इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं और साथ ही साथ अब कौन से खिलाड़ी शिखर धवन की जगह वर्ल्ड कप 2019 में लेने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले कारण की बात की जाए कि आखिर क्यों शिखर धवन बाहर हुए हैं तो दोस्तों शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त उनके अंगूठे पे बड़ी जोर से नेथल कुटरनाइल की बॉल लगी थी और उसी की वजह से अपनी थंब इंजरी की वजह से शिखर धवन अगले कुछ दो मुकाबले के लिए जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा इन दो मुकाबलों के लिए शिखर धवन बाहर हुए हैं। परंतु दोस्तों ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, आगे और भी ज्यादा मुकाबले के लिए यह बाहर हो सकते हैं। और दोस्तों अब अगर रिप्लेसमेंट्स की बात की जाए आखिर कौन से खिलाड़ी इनकी जगह लेंगे तो दोस्तों रिप्लेसमेंट्स अभी तो अनाउंस नहीं हुई है, परंतु अगर ये फाइनल रिपोर्ट आ जाती है कि सिर्फ दो ही मैच के लिए बाहर होंगे तो शायद भारतीय टीम विजय शंकर या फिर दिनेश कार्तिक को शिखर धवन की जगह दे सकती है और केएल राहुल को वह ओपनिंग करा सकती है और दिनेश कार्तिक या विजय शंकर नंबर चार की पोजीशन पर खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या शिखर धवन के बिना भारतीय टीम आगे भी सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट और वर्ल्ड कप की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।